जमीन का सर्वे को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है और बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बात कर रहे हैं। बवाल का मेरा मतलब है कि इतना ज्यादा चर्चा हो रहा है कि लोग कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि जमीन का सर्वे होकर क्या होगा। अब देखो, ये सर्वे क्यों हो रहा है और कहाँ कहाँ होगा और आपके गाँव में कब होगा, इसी के बारे में आज आपको पूरा विस्तार से समझाने वाला हूँ। अगर आपका घर उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, झारखंड में है या फिर भारत के किसी भी राज्य में आपका घर है, तो मेरे बात को गौर से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके राज्य में भी ये जमीनी सर्वे प्रारंभ हो जाए। कभी भी हो सकता है, क्योंकि एक जगह हो रहा है तो अदर जगह भी होने का चांस है। ठीक है, तो क्या है माजरा, जमीनी सर्वे करने से क्या फायदा होगा, जमीन का सर्वे करने से क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, इसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। कहीं ना कहीं आपका भी कहीं ना कहीं घर होगा, कोई ना कोई आपकी घड़ारी होगी, घड़ारी जमीन होगी, आपके भी पटीदार होंगे, आपके भी मुकदमा वगैरह कहीं ना कहीं चलता होगा। ये सारा कुछ इस जमीनी सर्वे से जो है फैसला होने वाला, जमीनी सर्वे से मतलब एकदम जो भी केस चल रहा है ना, सबका एक तरह से निस्तारण हो जाएगा। ठीक है, तो इससे फायदा भी है, इससे कुछ नुकसान भी है। नुकसान हालांकि लगेगा कुछ, लेकिन होगा कुछ नहीं, सिर्फ नुकसान लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। बहुत सारी अफवाहें हैं जो मार्केट में आ चुकी हैं, आप सुन सुन के, भैया बंसावाली कहाँ बनवाए, बंसावाली क्या होता है, ये बंसावाली कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, कितना खर्च लगेगा, ये सारा कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और मैं आपसे एक अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए, ये जो जमीन का सर्वे है, आप जानते होंगे कि बिहार में अभी हो रहा है, बिहार में कई जिलों में ये प्रारंभ हो चुका है। और ये जमीन का जो सर्वे है, जैसा कि मैं समझ पाया हूँ, जितना वीडियोस देखा, जितना सूचना मिला, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जमीन का जो सर्वे है कैंप लगा करके ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में कैंप लगा करके होगा। अब ये सर्वे करने से फायदा क्या होगा, पहले ही मैं इस पर बात करता हूँ। देखिए, जमीन का सर्वे करने से फायदा होता है, फायदा क्या होगा, जैसे किसी के परदादा के नाम से जमीन है और परदादा के चार लड़के हैं, अब चारों ने अपना अपना जो हिस्सेदारी है, अपना अपना बंटवारा है, वो कर रखा है, लेकिन जो परदादा है उनके नाम से कागज में जो आकार पत्र है उन्हीं के नाम से चला आ रहा है। तो ये जब जमीन का सर्वे होगा तो जितने भी उनके लड़के होंगे, परदादा के लड़के होंगे, हालांकि परदादा अगर इस दुनिया में नहीं है, तो जितने भी उनके लड़के होंगे उनके नाम से आकार पत्र बन जाएगा, उनके नाम से रसीद मिल जाएगी, उनके नाम से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उनके नाम से जमीन हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जमीन सर्वे करने, बहुत सारे लोग हैं जो जमीन किसी और की है, कब्जा किसी और का है, रह कोई और रहा है, बेच कोई और दिया है, ऐसा भी मामला है। तो अब उस सिचुएशन में क्या होगा, इसीलिए कह रहा हूं कि बात को पूरा सुनिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए, जमीन का जो सर्वे है अभी 60-70 साल पहले बिहार में हुआ था, उसके बाद अभी हो रहा है। ये जमीन सर्वे को लेकर के लोगों में ना कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि भैया जमीन सर्वे होगा इसका मतलब हमारा जमीन पांच जगह है तो एक जगह का छूट गया तो फिर वो मतलब चढ़ेगा नहीं, ये ऐसा भी कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रदेश में रहते हैं, किसी अदर राज्य में जाके रहते हैं, तो उनको अगर जमीन सर्वे हो रहा है उनके गांव में, उनके नगर में, तो उनको क्या करना होगा, ऐसा कंफ्यूजन है। अच्छा, बंसावाली, बंसावाली क्या होता है, अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि बंसावाली होता क्या है। देखिए, बंसावाली नाम से पता लग रहा है कि जिनके भी वंश है ना, उनका नामवाली मतलब कि उनके नाम से। देखो, ये बंसावाली अगर शुद्ध भाषा में कहें तो पहले ये हो रहा था कि अपने हाथ से आप बंसावाली तैयार करा सकते हैं या ग्राम के जो मुखिया हैं उनसे बंसावाली तैयार करा सकते हैं, लेकिन अभी जो प्रपत्र 3 आ चुका है उसमें वो सारा कुछ लिखा रहेगा कि परदादा कौन थे, उनके पिताजी का क्या नाम था, उनके कितने लड़के थे, फिर उनके कितने लड़के हैं, आप तक मतलब अभी आप हैं तो आपसे पहले कितने लोग हैं, सारा लोगों का, उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम, उनके बहन का नाम, उनके भाई का नाम, सबका नाम जो है उस वंशावली में लिखा रहेगा। आपको घबराना नहीं है, आपको किसी के पास नहीं जाना है। पत्रा जो मैं बता रहा हूँ, पत्रावली 3 है ना, प्रपत्र 3 बोलते हैं, एक प्रपत्र 2 है, एक प्रपत्र 3 है। ठीक है, तो जो ये कहाँ मिलेगा, देखिए जहां पे ये हो रहा है ना सर्वे, अभी तो जनसेवा केंद्र में भी मिल सकता है, दुकानों में भी मिल सकता है, हर जगह उपलब्ध करा दिया जा रहा है। अभी बिहार में ये सर्वे हो रहा है तो हर जगह, देखिए अगर आपका घर बिहार नहीं है तो ये मत सोचना कि मेरे यहाँ नहीं होगा, हो सकता है कि अभी एक जगह हो रहा है, पूरे भारत में भी हो सकता है, हर राज्य में हो सकता है, लेकिन ये जानना पहले लिए जरूरी है आपके लिए कि भैया कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार रखें और इसके लाभ और हानि क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ।
क्योंकि हो सकता है कि आप उत्तर प्रदेश से, झारखंड से या फिर किसी अदर मध्य प्रदेश से देख रहे हो, तो आप सोचेंगे यार ये तो बिहार का मामला है, बिहार में हो रहा है, हमारा क्या है, हमारे यहाँ तो हो नहीं रहा है। लेकिन ये जानना आपके लिए जरूरी है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, ठीक है, और मौजूद रहना चाहिए। जैसे बंसावली की मैं बात कर रहा हूँ, तो बंसावली जो है वो होना ही चाहिए। अच्छा, उसमें बंसावली में क्या क्या होता है, कितने परिवार में सदस्य हैं, कितने महिलाएं हैं, कौन भाई है, कौन चाचा है, कौन भतीजा है, कौन बेटा है, कौन नाती पनाती है, ये सारा कुछ उसमें लिखा रहता है, ठीक है। और ये प्रपत्र 3 में जो है ये लिखा रहेगा। प्रपत्र 2, देखो एक प्रपत्र 2 होता है, उसमें क्या है कि जब भी उसको आवेदन करना होगा, जैसे कि जब आएंगे कैंप लगाकर या आपके गांव में सर्वे करेंगे, पूछेंगे, तो एक फार्म भरना पड़ेगा, उस फार्म के साथ ये बंसावली भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपका आधार कार्ड, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, खेत का जितना रसीद है, ये सारा कुछ उसके साथ लगेगा, ठीक है। और एक बार जब आपके यहाँ ये सर्वे हो जाएगा, आपके नाम से जमीन हो जाएगी, उसके बाद से कोई मुकदमा नहीं, कोई केस नहीं, कोई लफड़ा नहीं, एकदम सुकून की जिंदगी आप लोग जियोगे। अभी बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज कर रखे हैं कि भैया आपका जमीन छूट गया तो क्या होगा। देखिए 3 बार आपको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि छूट गया तो फिर चढ़ेगा नहीं, वो आपकी जमीन है। 5 जगह यदि आपका खेत है, जैसे मान लीजिए 5 अलग अलग नंबर का आपका खेत है, तो एक जैसे आपने दिया और एक छूट गया, या फिर आप किसी दूसरे राज्य में है और आपका नाम नहीं हो पाया, ठीक है, उस सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि अब नहीं हो पाया तो वो होगा ही नहीं, आपको 3 बार मौका मिलेगा। 3 बार में कभी ना कभी आप करा ही लेंगे। और हाँ, एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप दूसरे स्टेट में रहते हैं, दूसरे जगह पे रहते हैं, तो आप अपने घर पे जरूर जाइएगा, घर पे फोन करके पता करते रहिएगा कि आपके यहाँ ये सर्वे हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे नुकसान भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए नुकसान क्या होगा, परेशान होंगे आप, जैसे आप किसी अदर राज्य में रह रहे हैं, प्रदेश गए हैं कमाने के लिए, और आपके यहाँ पे ये सर्वे हो रहा है, तो आपको फोन करके पता करते रहना है कि भैया हमारे यहाँ सर्वे हो रहा है नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आप घर जा करके सर्वे अच्छे तरीके से करा लीजिएगा, अपने बंसावली में अपना नामांकन करा लीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन में है कि मेरे दादाजी हैं तो मतलब दादाजी तो हैं, लेकिन मैं अपने नाम से करा सकता हूं क्या, ये सर्वे होगा तो मेरे नाम से मेरी जायदाद, मेरी संपत्ति, मेरा जो हक है वो मेरे नाम से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए दादाजी हैं तो दादाजी के जो लड़के हैं उनके नाम से होगा। अगर दादाजी हैं तब तो दादाजी के नाम से रहेगा, लेकिन अगर दादाजी नहीं है तो आपके पिताजी हैं उनके नाम से होगा। अगर आपके पिताजी नहीं हैं, आपके दादाजी हैं और फिर आप हैं, यानी आपके पिताजी नहीं हैं, तो उस सिचुएशन में आपके नाम से ये बंसावली में आपका नाम बनेगा, आपका हक बनेगा, और आपकी जो है नामांकन उसमें हो जाएगा, आपके नाम से जो भी जमीन बनेगी वो सर्वे में लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपके पिताजी हैं तो पिताजी के ही नाम से ये होगा, आप अपना अगर सोच रहे कि मेरा हो जाएगा तो आपका नहीं होगा, ठीक है, ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बंसावली प्रपत्र 3 में मैंने बताया आपको कि उसको भर के उसमें देना होता है, और आप अपने परिवार में जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार हैं, जितने भी चाचा लोग हैं, आपके दादाजी के जितने लड़के हैं, ये सारा कुछ उसमें लिख करके और जमा करना होता है, किसके पास, जो भी आ रहे हैं सर्वे करने के लिए अधिकारी लोग उनके पास, ठीक है। ये कोई अफवाह नहीं है, ये सत्य है, बिहार में शुरू हो चुका है। यदि आपका घर बिहार में है तो आप फोन करके पता करते रहिएगा, अगर आपके इलाके में, आपके जिले में, आपके ग्राम पंचायत में, आपके नगर में अगर होगा तो आप तुरंत घर पहुंच जाइएगा, ठीक है, क्योंकि जमीन की मामला है, आप किसी पे भरोसा करेंगे, हो सकता है कोई अगर आपको धोखा दे दे, आपका नामांकन ना कराए, तो नुकसान आपका होगा। ऐसा नहीं कि होगा नहीं, ऑप्शन मिलेगा फिर आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर परेशानी हो उठाना पड़ेगा, परेशान हो जाएंगे, उससे अच्छा है कि आप मौके पे जा करके खुद अपना बंसावली तैयार करके और अपना सर्वे खुद करा लीजिएगा। कोई भी काम कर रहे हो उसको छोड़ करके आप जरूर जाइएगा, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि क्या हमारे दादाजी के नाम से जमीन है तो मेरे पिताजी के नाम ना करा करके क्या मैं अपने नाम करा सकता हूँ, तो नहीं करा सकते। अगर आपके पिताजी हैं तो आपके पिताजी के ही नाम से होगा। अच्छा, आपके पिताजी ने अगर बैनामा जमीन खरीदा है, रजिस्ट्री कराया है, तो वो भी सर्वे उनके नाम से ही होगा, ऐसा नहीं कि वो आपके नाम से हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने भी बैनामा कराया है उनके नाम से होगा। अगर वो व्यक्ति नहीं है तो उसके जो वंशज है, बंसावाली में जिनका नाम होगा, उनके जो वंशज है उनके नाम से ये प्रॉपर्टी होगी, उनके नाम से संपत्ति होगी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा,
इससे रिलेटेड अगर आपका घर मान लीजिए कि किसी अदर राज्य में है और सोच रहे हैं कि मेरे यहाँ कब होगा, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस राज्य से मुझे देख रहे हैं, किस राज्य के रहने वाले हैं, मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं उस पर भी एक अच्छा सा वीडियो बना करके आपके दूँ। और कोई सवाल यदि आपके मन में है कि भैया ये चीज़ समझ नहीं आया, तो मुझे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू इस पर वीडियोज आपको देने वाला हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।